Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you are doing great and staying safe. So I created this sunset look. It took me a lot of effort to create this look, but finally I managed to achieve it. Hope you guys will like this tutorial. If you do, then please don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel below, and I also mention the product links in the description box, so don't forget to check that out. Till then, let's continue with the tutorial. So to prep my skin, main use karungi Nature's Co ka vitamin E moisturizer. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, सो दैट आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए बिफोर हम कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करें. मैं लिप्स भी हाइड्रेट करूँगी विद द बॉडी शॉप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड लिप बाम. ये भी बहुत अच्छा स्टेप है ताकि जब आप लिपस्टिक अप्लाई करें तो आपके लिप्स पे कोई क्रैक्स ना हो. सो मेक श्योर कि आप अपने लिप्स हाइड्रेट रखें. आज मैं हैवी आई मेकअप करूँगी येलो ऑरेंजिश सनसेट लुक. सो मैं पहले अपनी आईज़ प्रेप करूँगी. आप कोई भी आई मेकअप बेस यूज़ कर सकते हैं, बट मैं मेबलिन का कंसीलर यूज़ करूँगी ताकि मेरी डार्क पिगमेंटेशन हाइड हो जाए. और मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेस का कंसीलर ब्रश ताकि मुझे ज़्यादा कवरेज मिले. अब मैं आई मेकअप को सेट करने के लिए शुगर का लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश से. मेरा शेड है कोकोचिनो. आपको ध्यान रखना है कि कंसीलर को सेट करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कंसीलर आई लाइन्स में सेटल ना हो जाए. अब मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी क्लेस्ट का कलर बोर्ड पैलेट. ये मैंने परचेज़ किया है कफ्स एंड लैशेज से, एंड आपने हॉल भी देख लिया होगा मेरा फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना आफ्टर दिस वीडियो. मैं पहले रेडिश शेड यूज़ करूँगी ऑन अ फ्लैट ब्रश एंड डिपॉजिट करूँगी कलर आउटर वी में एंड ट्रांजिशन लाइन पे. देन मैं एक प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश पे ऑरेंजिश कलर लूँगी एंड ब्लेंड करूँगी रेड एंड ऑरेंज कलर को ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे. अब मैं एक बिगर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पे येलो कलर पिक करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी टू क्रिएट अ सनसेट लुक. आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा आई लुक लगेगा आपका. सो ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड योर आई शेडोज. अब ब्लेंडिंग से थोड़ा आई शेडोज फेड ऑफ हो गए हैं, तो मैं फिर से 3 स्टेप्स रिपीट करूँगी सो दैट हमारे कलर्स और एक्यूरेट लगे. सो रेड
ऑरेंज एंड येलो कलर्स को पिक करके हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपनी आईज पे। अब मैं अपनी क्रीज को कट करूंगी एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेबेलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड 25 मीडियम और मैं यूज़ करूंगी एक स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश। आपको ये स्टेप बहुत ध्यान से करना है एंड मेक श्योर करना है कि कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए बिफोर आप आई शेडोज अप्लाई करो। देन मैं सेम येलो कलर पिक करूँगी एक स्मॉल प्रिसाइज ब्रश पे एंड उसे स्मॉल एरिया ऑफ माय आईलेट पे अप्लाई करूँगी वेरी प्रिसाइजली। देन मैं ऑरेंज कलर पिक करूँगी ऑन अ डिफरेंट ब्रश एंड अप्लाई करूँगी ऑन द सेंटर ऑफ माय आईलेट एंड मेक श्योर कि आप ब्लेंड कर दो ऑल द थ्री शेड्स वरना हार्श लाइन्स की वजह से आई लुक अच्छा नहीं लगेगा। देन मैं एक क्लीन ब्रश पे ये ग्रे शेड पिक करूँगी टू गिव अ डेप्थ टू माय आउटर वी एंड मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नाउ अब हम एक फेस वाइप से क्लीन कर लेंगे कोई भी फॉल आउट हुआ है जो एंड देन अपना बेस मेकअप करेंगे। पहले मैं यूज़ करूँगी NYBAE का प्राइमर। ये एक पोर फिलिंग प्राइमर है सो दैट जब आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो आपके पोर्स में सेटल ना हो जाए। आज मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 3110 सन बेज। आई एम श्योर ये फाउंडेशन सबके पास होगा बिकॉज फर्स्टली ये बहुत इनएक्सपेंसिव है एंड सेकेंडली बहुत अच्छी ड्यूई कवरेज देता है। ऑल्सो टू सेट माई अंडर आइज एंड पिगमेंटेशन मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड कैरेमल। अब फाउंडेशन एंड कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो बट मुझे स्पॉन्ज ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं ब्लेंडर को डैम्प यूज़ करूँगी मतलब आपको उसे वाटर में डिप करना है एंड देन सारा पानी स्क्वीज आउट करके आप उसे यूज़ कर सकते हो टू ब्लेंड योर फाउंडेशन।
देन मैं शुगर का ये लूज पाउडर यूज़ करूँगी और अपना फेस सेट करूँगी। मैं स्मॉल ब्रश यूज़ करूँगी फॉर माय अंडर आईज एंड बिगर फ्लफी ब्रश फॉर माय होल फेस। नाउ मैं लोअर लैश लाइन पे भी येलो एंड ऑरेंज शेड को स्मोक आउट करूँगी सो दैट मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाए और सारे कलर्स को मर्ज करूँगी विद माय अपर आई मेकअप। मैं सेम पैलेट से ये गोल्ड एंड रेड शिमर पिक करूँगी ऑन अ फ्लैट ब्रश एंड अप्लाई करूँगी वेरी रफली जहाँ हमने ऑरेंज शेड अप्लाई किया था। अब मैं आईब्रोज फिल करूँगी विद कफ्स एंड लैशेस ब्रश। पहले मैं कोम करूँगी अपने ब्राउ हेयर एंड देन ब्लैक शेड पिक करूँगी फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट। नाउ इस कॉन्टोर ब्रश से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी सो दैट मेरा फेस पतला दिखे एंड चिजल लगे। मैं कॉन्टोर शेड के लिए शुगर की फेस पैलेट यूज़ करूँगी एंड मैं अपनी चीक्स नोज एंड चिन को कॉन्टोर करूँगी।
नाउ मैं लैक्मे का ब्लश यूज करूंगी एंड अपने चीक्स पे एंड चिन पे अप्लाई करूंगी। नाउ फॉर हाइलाइटर मैं स्मॉल राउंड ब्रश से चीक्स पे अप्लाई करूँगी, बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट्स पे, एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैं मेबलिन का ब्लैक काजल यूज़ करूँगी टू फिल माई लोअर वाटर लाइन एंड टाइट लाइन माई अपर वाटर लाइन। नाउ मैं आई लैशेज अप्लाई करूँगी एंड मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल एंड बेस्ट एवर लैशेज फ्रॉम नायका, एंड मैं इसे मिस क्लेयर के ग्लू इन द शेड डार्क टोन से अप्लाई करूँगी। मैं अप्लाई करूंगी ऑफ कैमरा। नाउ टू बैलेंस आवर मेकअप लुक हम बहुत ही न्यूड एंड सटल लिप शेड अप्लाई करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्बोर का लिप लाइनर इन नंबर 01 एंड लॉरियल की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक यूज़ करेंगे इन द शेड 862 वलप्टो चौको। आई विल मेंशन द शेड डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। सो गाइज हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। मैं इसे सेट कर लूँगी विद अ मेकअप फिक्सर एंड आई विल चेंज माय आउटफिट एंड विल बी राइट बैक। सो गाइज ये हमारा फाइनल लुक है। इफ़ यू एवर ट्राई दिस मेकअप लुक प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना और मैं मेक श्योर करूँगी टू मेंशन इट इन माय स्टोरी। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक दैट आई क्रिएटेड। होप यू गाइज लाइक दिस ट्यूटोरियल। If you do, then please don't forget to hit the like button and share this video with your friends and families, and also make sure that you subscribe to my channel below. If you want to see more of these makeup tutorials, then please mention that in the comment section and I'll make sure that I upload those videos. Till then, we'll see you in the next video. Bye bye.